लॉकडाउन मुबारक हो जैसा है। हैप्पी लॉकडाउन मिलोड। हाँ हाँ जरूर जरूर, झट से काम शुरू कीजिए। मिस्टर सेन, आपका मुवक्किल कौन है? जी मनुष्य। अच्छा, और मिस्टर दास आपका? मिलोड कोरोना वायरस। अच्छा सच में? फीस कितनी दे रहा है? छोड़े, जाने दीजिए। ये बताइए, इंसान की शिकायत क्या है? यही कि ये वायरस इंसान को मार रहा है। है, और वायरस क्या कहना चाह रहा है? सिंपल सर, इंसान वायरस को मार रहा है। बड़ी अजीब बात है, इतने लोगों को मारा है, जीने के लिए इंसान पलटवार तो करेगा ही ना। नॉट नेसेसरी मिलॉर्ड, देखिए अगर गांधी जी होते तो आपसे सहमत नहीं होते। नहीं, लेकिन जीने के अधिकार को नकारा तो नहीं जा सकता ना मिलॉर्ड। उस तरह से देखेंगे तो इंसान अपने स्वार्थ के लिए पृथ्वी पर बाकी सबके जीने का अधिकार छीन रहा है। कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे जीव जंतु सबको पकड़ के मार रहा है, धो रहा है, सबको खा रहा है और कितना कुछ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, और नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। जज साहब ये बात सही है कि मनुष्य अपने फायदे के लिए अपने स्वार्थ के लिए कुछ बहुत ही बुरे और अमानवीय काम जरूर कर रहा है, लेकिन यही तो नियम है जज साहब, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना हा? और कोई भी उसे रोक तो सकता नहीं, मनुष्य इस पृथ्वी का राजा बना है अपने बलबूते पे। हाँ बिल्कुल मिस्टर सेन, और इसीलिए कोरोना वायरस भी इंसान को मार रहा है अपने बलबूते पे, तो अब इतना रोना धोना क्यों? अरे रुकिए 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 रुकिए, ये पंगा लेने का कॉन्टेस्ट हो रहा है, रुकिए पूरी बात समझने दीजिए। तो मिस्टर दास, आप कहना क्या चाहते हैं? कि इंसान सबसे बदतर है और कोरोना वायरस उसकी सजा है? मतलब ये जो एपिडेमिक चल रहा है ये एक डिवाइन जस्टिस है? नहीं मिलॉर्ड, मेरा कहना ये है कि अब तक इंसानों ने दूसरे प्राणियों पर अत्याचार किया लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है, और अब कोई और प्राणी उस पर अत्याचार कर रहा है तो वो यहाँ पर आकर शिकायत कर रहा है। ये तो बहुत ही मजाक की बात है मिलॉर्ड। मजाक लगता है? हजारों की लाखों की संख्या में इंसान मर रहे हैं और ये मजाक लगता है? जज साहब पृथ्वी का इतिहास खत्म होता जा रहा है। क्या कहा आपने? किसका इतिहास? पृथ्वी का। कम सुनाई देता है? आपका जीके कम है। इस पृथ्वी का इतिहास अगर माना जाए एक घंटे का, तो इंसान की एंट्री है 4 मिनट की। है? शायद उससे भी कम। कुछ कुछ तो गणित है इसमें। छोड़ जाने दो। मतलब उनका कहना है कि लाखों सालों से तो पृथ्वी बिना इंसानों के ही थी, और भी कई लाखों साल बिना इंसानों के रह सकती है। हाँ लेकिन मिलॉर्ड, मतलब पृथ्वी पे ये बैक्टीरिया और कन खजूरों ने इतने साल तक रेंगकर क्या हासिल कर लिया, सही है ना? हाउ डू यू नो? हैं? तो आप ये बोलना चाहते हैं कि पृथ्वी पे जो हजार प्रजातियां रहती हैं उनकी कोई अहमियत नहीं? पेड़ पौधे कीड़े मकौड़े पहाड़ समुद्र सब तो चाहे, आप एक अकेले ही महान है, एक आप ही बलवान है। और आप बेईमान, आप इंसानों को छोड़ के कन खजूरों का पक्ष ले रहे हैं, आप एक शैतान का पक्ष ले रहे हैं, जो शैतान आपको मार रहा है, आपके भाई को मार रहा है, आपकी बहन को मार रहा है। हाँ तो करोना के माँ बाप भाई बहन नहीं? मिलॉर्ड अगर साइंटिस्ट ने इसका वैक्सीन निकाल लिया तो इस वायरस के तो पूरे वंश का विनाश ही हो जाएगा। लो कर लो बात, ये तो दिमाग से बिल्कुल पैदल है मिलॉर्ड। हम लोग इंसान है तो हम लोग इंसान का ही सपोर्ट करेंगे, इंसान का ही साथ देंगे ना। आप मुझे बताइए मिलॉर्ड, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो इंडिया के लोग किसको सपोर्ट करेंगे? इंडिया को ही ना। देखिए जो खेल को सही समझते हैं ना, अगर किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बढ़िया कवर ड्राइव शॉट मारा ना, तो इंडियन हो या पाकिस्तानी दोनों ही ताली बजाएंगे। ओह, तो मिलॉर्ड मिस्टर दास की बात का मतलब ये है कि जब भी हम न्यूज में ये देखें कि कोरोना भर भर के इंसानों को मार रहा है तो हम लोग चीयर लीडर बन के जोर जोर से नाचने लगे। कर सॉरी सॉरी सॉरी, उससे कंट्रोल नहीं हुआ, सॉरी। लेकिन मिस्टर दास, आपकी स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट की थ्योरी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो गई? मैं बस दिल को बड़ा करने की बात कर रहा हूँ सर। आप लोगों ने मान ही लिया है कि ब्रह्मांड के केंद्र में इंसान है और उसी की वजह से इस पृथ्वी का सृजन हुआ है। आपको नहीं लगता है बहुत बड़ा दावा है? जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिक के लिए ही चीता ने दौड़ना सीखा हो। नहीं, लेकिन नेशनल ज्योग्राफिक अगर स्लो मोशन में नहीं दिखाता तो हम समझ नहीं पाते कि चीते की दौड़ कितनी शानदार है। इंसान ही तो हैं जो ब्रह्मांड की इस खूबसूरती को समझ पा रहे हैं।
उसके बारे में सोच रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ऐसा करके इंसान खुद को खुश कर रहा है, ब्रह्मांड को उससे कुछ लेना देना नहीं है। एक क्लर्क ने अगर ऐश्वर्या राय के सपने नहीं देखे तो ऐश्वर्या राय को उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। उस क्लर्क के पैसे से जो सिनेमा की टिकट बिकती है उसी से बॉक्स ऑफिस चलता है। इतना ईगो। मिलोर छत पे पानी की टंकी पे चढ़ के आसमान की तरफ देखने से पता चलेगा कि ब्रह्मांड की विशालता भौचक्का कर देने वाली है। उसके सामने धरती एक कंचे के बराबर है और उस कंचे का भी छोटा हिस्सा है इंसान। जैसे आपका 4000 स्क्वायर फीट का फ्लैट, उसमें चल रही है एक छोटी सी चींटी की मूंछ। लेकिन कंचे के उस छोटे से हिस्से ने ही महाकाव्य लिखा है, कविता लिखी है, उसे नोबेल मिला है। ये करके उसने क्या उखाड़ लिया मिलोर्ड? इस विशाल का ब्रह्मांड के करोड़ ग्रह नक्षत्रों के बीच में अगर किसी ने कोई एक महान कविता लिख भी ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई? जैसे सर्कस में चिंपैंजी की पेंटिंग रखती हो। चिंपैंजी और रविंद्रनाथ हैं और गेंडा और आइंस्टाइन। सर, हमने सभ्यता खड़ी की है, इसीलिए हम सुपीरियर हैं। देखिए, इंसान की लगातार बर्बरता ने इस पूरे ग्रह को नष्ट कर दिया है, इसीलिए मैं उस तर्क पे नहीं जाऊंगा। सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभ्यता बनाइए तो उससे सीखो भी। हर समय सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। सभ्यता का मतलब ही है दूसरों के नजरिए को समझना। बिल्कुल ठीक कहा, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। लेकिन अगर कोई मेरा खून करने आएगा, मतलब मेरा खूनी, तो क्या उसके नजरिए को भी मुझे ही समझना होगा? अगर आप समझ सकते हैं तभी अपने आप को सुपीरियर कह सकते हैं। ठीक है जज साहब, मैं आपसे एक परमिशन चाहता हूँ, प्लीज मुझे मना मत कीजिएगा। मैं मिस्टर दास का गला दबाना चाहता हूँ और फिर हम जानेंगे कि वो इसे किस तरह से लेते हैं और उनके विचार क्या है। अरे नहीं, इतना टाइम नहीं है। अब मिस्टर दास, फट से अपनी आखिरी दलील रखिए। अगर मानव का मानव अधिकार है तो वायरस का वायरस अधिकार है। अरे आप ये तो मानते हैं कि वायरस ने पहले लोगों को मारा है, है? फिर सेल्फ डिफेंस में इंसानों का उसे मारना भी जायज है। कोई बाद में मारे तो जायज हो गया, तो दुर्योधन की जांघें तोड़ना भी फिर तो जायज था। तो फिर क्या करूं, चुपचाप मर जाऊं? बचने की कोशिश कीजिए, बचने की कोशिश जरूर कीजिए, लेकिन जानिए कि वायरस की जिंदगी का भी मोल है, उसे विलेन मत बनाइए। अच्छा, मतलब वायरस की जिंदगी और इंसान की जिंदगी का एक ही मोल है? मिस्टर दास, अपनी दलील को जरा साइड में रखिए, अपनी ज्ञानबाजी छोड़ के अपने सीने पे हाथ रख के बोलिए तो। राम मोहन रॉय और एक गाय की जिंदगी, दोनों की कीमत एक है? या फिर अब्राहम लिंकन और भेड़ के प्राण, क्या एक समान है? बताइए। अगर भेड़ की तरफ से देखेंगे तो उसके प्राण ज्यादा है हमें, अगर ब्रह्मांड की तरफ से देखा जाए तो दोनों ही मिट्टी के एक ढेले हैं। वाह, तो आपको ये कैसे पता कि दो मिट्टी के ढेलों में ब्रह्मांड इंसान को पसंद नहीं करता है? ब्रह्मांड का ठिकाने रखा है। जज साहब, मैं आपसे कहूंगा कि मिस्टर दास से कहिए कि उस ब्रह्मांड को इस जगह पे गवाह के तौर पर हाजिर करें। क्या मिस्टर दास, कर लेंगे? जी पता नहीं, व्हाट्सएप करके देखता हूँ, झट से रिप्लाई नहीं देता है। तो ठीक है, अब कोशिश करिए, तब तक के लिए केस मुलतवी करता हूँ। हाँ यही सही है। आज के लिए बहुत है, अब मैं चलता हूं। क्या पता बिग का भी कोई अधिकार है या नहीं, शायद वो धुलना नहीं चाहता, गंदा बंदा रहना चाहता है। हंसी मत मिस्टर सेन, कोरोना घुस जाएगा। जितनी हंसी उतनी को रोना। मास्क पहन लीजिए।